प्रेगनेंसी का 3 महीने का सफर थोड़ा ज्यादा ही उतार चढ़ाव भरा होता है, लेकिन जैसे ही 4th महीना लगता है, सेकेंड ट्रिमेस्टर में आप इन करती है, ये एक गोल्डन पीरियड होता है। इस गोल्डन पीरियड में क्या ध्यान रखना है, कैसे रहना है, क्योंकि अब जिंदगी बदल जाएगी। तो जैसे ही 4th महीना लगता है, बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बच्चे के डेवलपमेंट में भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं। अब आपका बच्चा पेट में वेट गेन करना चालू करेगा, साथ ही वो अंगूठा चूसना चालू करेगा, उसके शरीर पे रोइंग्स, उसके जेनाइटल्स का डेवलप होने लग जाएंगे। तो ऐसे में जब बच्चा वेट गेन कर रहा है, माँ की लाइफ स्टाइल में भी चेंजेस आएंगे और बेबी बम्प भी इम्प्रूव होगा, वो विजिबल होगा, और अब आपके रहन सहन तौर तरीके में कुछ बदलाव आ जाने चाहिए। मॉमी फीलिंग अब आपकी बढ़ जाएगी। तो क्या ध्यान रखना है आपको ताकि आपकी सेकेंड ट्रिमेस्टर की जर्नी स्मूथली निकल जाए? सबसे पहले, जो फीमेल्स नॉर्मल डिलीवरी चाहती है, उनको अब से सही से तैयारी करनी है। क्या करना है? डेली वर्कआउट और हरी पत्तेदार सब्जियां ज्यादा खानी है। ये 2 ही फॉर्मूला है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए डिलीवरी से पहले कोई जादू नहीं किया जा सकता, लेकिन सेकेंड ट्रिमेस्टर से 4th महीने से रोज एक्सरसाइज की जा सकती है, जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप फ्लेक्सिबल होते हैं, आपकी मसल्स मजबूत होती है, पेल्विस कोर आपका मजबूत होता है, तो नॉर्मल डिलीवरी सरलता से हो जाती है और आपको कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते। तो आप डेली वर्कआउट करें, डेली एक्सरसाइज करना 20 से 30 मिनट, 3-4 किलोमीटर पैदल चलना, 20 से 30 मिनट वर्कआउट करना, एक बार में ना हो तो रुक रुक के करें, आराम लेके करें, 2 वक्त में बांट लें अपने वर्कआउट को, स्वेटिंग, घबराहट, चक्कर आना होता हो तो रुक जाएं, अपने गाइड से बात करें, अपने डॉक्टर से बात करें और सही तरीके से वर्कआउट करें। वर्कआउट के बीच बीच में आपको पानी पीना बहुत जरूरी है, टहलने बाहर जा रही है तो छोटी सी बॉटल कैरी करें ताकि बीच में रुककर आप पानी पी सके। अब आपके बेबी बम का साइज बढ़ेगा, अब से आपको ज्यादातर मैक्सिमम टाइम, ये नहीं है कि पूरी टाइम कोई भी लेफ्ट साइड सोएगा तो उसको बॉडी में पेन आ सकता है, लेकिन आपको चेंज के लिए राइट या सेंटर में आप पीठ के बल सो सकती हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपको लेफ्ट करवट सोना है, जिससे कि बच्चे को जो ब्लड सर्कुलेशन है प्रॉपर मिलता रहे, बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता रहे। 4th महीने से बच्चे के वेट में इम्प्रूवमेंट आना चाहिए, इसके लिए आपको अपनी डाइट में 300 कैलोरी यानी कि एक खाना बढ़ाना है। जैसे हम दिन भर में मील लेते हैं, नाश्ता लेते हैं, लंच लेते हैं, डिनर लेते हैं, बीच में टी टाइम ब्रेक भी लेते हैं, इसी तरीके से आपको एक मील बढ़ाना होगा। या तो आप अपनी हर मील में थोड़ी थोड़ी कैलोरीज बढ़ा लें, या फिर अब आपको भूख भी तेज लगेगी तो आप 2-3 बार अलग से खा सकते हैं, जो कि लगभग 300 से 350 कैलोरी अतिरिक्त ऊर्जा जो अब तक आप खा रही थी उससे ज्यादा आपको ऊर्जा दे सके। तो कुछ एक्स्ट्रा माइल चलना है आपको अपने डाइट में। अगर आप ऐसा नहीं करती है तो बच्चे का ग्रोथ भी कॉम्प्रोमाइज होता है और आप भी लो रहती हैं और क्रेविंग्स फिर आपको चलने लग जाते हैं, फिर क्रेविंग वाला फूड खाती है और आप जेस्टेशनल डायबिटीज, प्रीक्लैम्प्सिया, इन सब के चक्कर में पड़ जाती है। ज्यादा अगर आपको वर्कआउट नहीं आता हो तो पैदल आप जरूर चलें, क्योंकि पैदल चलने से एक तो बहुत सारे बॉडी के जॉइंट के पेन, पीठ का पेन, चेस्ट का, अपर बैक का पेन, जॉइंट्स में, घुटनों में, एल्बोज में बहुत पेन रहता है, वो सारा निकल जाता है, नहीं होता है आपका पेन, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, प्लस आपकी भूख में जो प्रॉब्लम आती है कि एकदम गला जलता रहता है पूरे टाइम, एसिड रिफ्लक्स आता है और आप खाना नहीं खा पाते, तो एसिडिटी कंट्रोल रहती है, कब्ज नहीं होती है आपको, कब्ज एकदम स्मूथ रहता है आपका बॉल मूवमेंट, साथ ही आपका मूड बहुत अच्छा रहता है, आप बहुत पॉजिटिव और एनर्जेटिक रहते हैं, खुश रहते हैं, तो यही असर आपके बच्चे पर भी पड़ेगा। 4th महीने से ध्यान रखना है कि आपको अगर क्रेविंग आती है, बहुत ज्यादा क्रेविंग आती है, तो अपनी डाइट में प्रोटीन बढ़ाना है, क्रेविंग को ज्यादा पैम्पर करेंगी, जो क्रेविंग फूड है वही आप खाएंगी, तो उससे आपकी सेहत खराब हो सकती है और बच्चे का ग्रोथ भी खराब हो सकता है। 9 महीने में ही एक जिंदगी बनानी है, संयम रखें, क्रेविंग फूड थोड़ा सा खाएं, ज्यादा नहीं और रोज रोज नहीं। क्रेविंग पर मेरे अलग से वीडियो है, उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। 4th महीने से आपको ध्यान रखना है कि अब तक तो आप स्मूथली सीढ़ी चढ़ ली, उतर ली, झुक ली, कुछ भी कर ली, सामान उठा लिया जो भी, लेकिन अब से अगर आपको नीचे झुकना है तो डायरेक्टली बेंड नहीं होना, बॉडी को नहीं झुकाना है, पहले घुटनों को मोड़े, तब नीचे बैठे और तब कोई सामान उठाए। सीढ़ी आप चढ़ उतर सकती है, लेकिन साइड रेल्स को पकड़कर स्टेप बाय स्टेप आराम से, अपने जो कपड़े पहने, साड़ी, गाउन, सूट, जो कुछ भी है, उसको थोड़ा हाथ से पकड़ के ऊंचा करें, अदरवाइज गिरने से आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, तनाव नहीं लेना। आप एक जिंदगी बना रही हैं तो तनाव लेंगे तो उस बच्चे के अंदर भी स्ट्रेस मार्कर्स रह जाएंगे, तो बच्चे को तनाव नहीं, खुशियां दें, खुश रहे चाहे जैसी भी हालत हो बाहर दुनिया में, जो कुछ भी आपको झेलना पड़े, आप मन से खुश रहें। स्टे ट्यून्ड विद अस, टेक केयर, थैंक यू।